तुम्हारी प्रेम कहानी भी टूट जाएगी। ये मेरा श्राप है, श्राप। गुरु, मैंने कमली के साथ नाम नहीं, मेरी कमली का नाम नहीं लेना। घुंगरू घुंगरू घुंगरू, कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज, जल्दी घुंगरू। देखिए, ये बात तो साफ है कि ये आदमी मानसिक रूप से अपंग है। किसी तनाव की वजह से इनको ये दौरा पड़ा होगा जो इतने उत्तेजित हो गए। खैर, फिलहाल मैंने इनको शांत करने के लिए इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ही होश आ जाएगा। आप लोगों को इनका बहुत ध्यान रखना होगा। हम इसे गेस्ट रूम में लेके जाते हैं, ऐसे कैसे पड़े रहेगा यहाँ पे। थैंक यू डॉक्टर। अभी तक तो ठीक है, लेकिन एक बार ये होश में आ गया तो अरे आगे करना क्या है इसका? अगर ये सचमुच उस मरी हुई लड़की का प्रेमी है तो फिर इसका इस घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी तो आत्मा इस घर में घुस ही चुकी है, अगर ये भी यहाँ रह गया तो। नहीं नहीं, सही कहा था उस अघोरी बाबा ने, कोई बुरा साया मंडरा रहा है इस घर पर। अघोरी बाबा? हाँ, अघोरी बाबा से पूछा हमने। बड़ी अम्मा, ये अब कौन सा चक्कर हो? चुप करो, ये हमारे घर हमारे परिवार की हिफाजत का सवाल है और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। हम चाहे अघोरी बाबा को बुलाएं या फिर तांत्रिक बाबा को, तुमको रोक टोक करने का कोई हक नहीं है। रीमा, मैं अरे तुम हमेशा बस तर्क करोगे हमसे, तर्क। अरे यहाँ हमारे बेटे की जान पर पड़ी है और तुम हो कि अपनी समझदारी दिखा रही हो। बड़ी अम्मा, बौखला क्यों रही है? वेदिका जी को मेरी फिक्र, इस घर की फिक्र है, आप ऐसे कैसे बात कर रही? चुप करो साहेब, अब एक और शब्द नहीं सुनेंगे हम। अरे सुना नहीं तुमने उस लड़के ने क्या कहा? श्राप दे रहा है वो तुमको, श्राप। साहिल, तुम्हें कुछ हो जाए ना तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। हमारे दिल का टुकड़ा हो तुम, दिल का टुकड़ा हो। तुम्हें बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। प्राची माँ, आप अरे आप सब क्यों नहीं कुछ बोलते? आप चुप क्यों हैं? हम माना बड़ी अम्मा डरी हुई हैं, तनाव में हैं, पर आप सब इस अंधविश्वास को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? पता है इसी वजह से घर में इतनी अशांति फैली हुई है। आप ये तो मानते हैं ना कि भूत वूत कुछ नहीं होता? किसी ने देखा है क्या भूत को कभी? हाँ वेदिका, ज्यादा होशियारी झाड़ने की जरूरत नहीं है। अरे देखा तो भगवान को भी किसी ने नहीं है, पर मानते हैं ना हम भगवान में। और तुमने वो नहीं देखा जो हम सब ने देखा अभी? अरे अघोरी बाबा पे सचमुच भूत आया था, वो औरत की आवाज में बात कर रहे थे। वो दीपक को जिस तरह उसने गले से उठा के पटका था ना, बेचारे की तो गर्दन ही टूट गई। और आप सब ने इतनी आसानी से उसकी बात पर यकीन कर लिया, ये नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कोई हमारे डर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? उस लड़की की मौत की खबर अखबार में, टीवी पर हर जगह आ गई है। साहिल का नाम, साहिल की गाड़ी के आगे उसका एक्सीडेंट होना, ये सबको सब कुछ पता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई जानबूझकर इस बात का फायदा उठा रहा हो, हमें डरा रहा हो, बेवकूफ बना रहा हो और हम उसके चंगुल में फंसे जा रहे हैं। नहीं वेदिका, हमने जो सुना, हमने जो देखा, वो हमारा वहम नहीं था। वेदिका, तुम इस घर की बहू हो, साथ दो हमारा,
बात में हमसे बहस करने की जरूरत नहीं है तुमको, कोई हक नहीं है तुमको। बड़ी अम्मा चुप रहो वेदिका, चुप। नहीं सुननी है हमको तुम्हारी कोई भी बहस। अरे हम जो झेल रहे हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। कोई भयानक साया घेर चुका है हमारे घर को और उसका मुकाबला हम अपने तरीके से करेंगे। तुमको मंजूर हो या ना? बढ़िया मां, इस तरह कैसे बात कर सकते? सिर्फ आप ही अकलमंद हो यहाँ। अरे इस पागल को घर से बाहर निकालिए, क्यों तो पागल खाने से भाग कर है, कहीं हम सबको ही ना पागल बना दे। बड़ी अम्मा इसका पागल खाना चल गया है ना, हम इसे किसी दूसरे पागल खाने में बेच देते, हमारी बला से हमें क्या करना। हम किसी को बांध के कैसे रख सकते हैं? ये तरीका से हम तो कहते हैं पागल खाने फोन कर, इसे लेकर जाए यहाँ से, हटो। बड़ी माँ क्या करें आप? बस इसे बांध कर नहीं रखेंगे, ये हमारे घर में रहेगा, हमारी सुरक्षा। बड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये हमारा फैसला है। हम तुम्हारा दुख समझते हैं। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारे दुख को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बढ़िया मां हम करते हैं। वैसे बढ़िया मां आपके कहे का सही असर हुआ है, आपके कहने पर इसका चिल्लाना भी बंद हो गया और ये शांत भी हो गया। बढ़िया मां प्राची, राम प्रसाद से बोलो कि घुंघरू के लिए एक कमरा तैयार कर दे। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये घुंघरू जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं? ये सब जो यहाँ हो रहा है एक सोची समझी साजिश लग रही है, मुझे जल्द ही इसका तोड़ निकालना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दिव लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। बढ़िया माँ रुकिए, बढ़िया माँ आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है। देखिए मैं मानती हूँ कि आपको साहिल की चिंता है
और जो कुछ भी इस घर में हो रहा है उससे आप डर गई हैं। आपको लगता है कि ये सब कमली की मौत की वजह से हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस लड़के को हमारे घर पे ही रख लो। अगर आपको लगता है इससे प्रायश्चित हो जाएगा तो ये गलत है। साहिल दोषी नहीं है बड़ी अम्मा। हाँ मैं मानती हूँ उस लड़के को देखभाल की जरूरत है, पर हम इसका कोई और इंतजाम कर सकते हैं, अपने ही घर में क्यों? डॉक्टर ने कहा है बड़ी अम्मा कि उस लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर उस लड़के को भी कुछ हो जाएगा ना तो हम इसके लिए भी खुद को ही दोषी मानने लगेंगे। चुप करो, हमने ये फैसला ले लिया है और ये बदल नहीं सकता। वो लड़का इस घर में रहेगा, खत्म बात। बड़ी अम्मा, जैसे आपको अपने बेटे की चिंता है, मुझे भी तो अपने बच्चों की चिंता है। वो भी तो है इस घर में, उस लड़की से मेरे बच्चों को खतरा हो सकता है। भगवान न करे वेद और विराट को अगर कुछ हो गया। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो कि वेद और विराट तुम्हारे बेटे हैं, हमारे कुछ नहीं लगते? हमारे भी तो पोते हैं, हमको भी तो डर लगता है। मैं समझती हूँ बड़ी अम्मा, लेकिन वो लड़का इस घर में नहीं रह सकता। हम उसे यहाँ से नहीं निकाल सकते वेदिका जी। साहिल, प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे उस पर तरस आ रहा है। जैसे उसकी हरकतें हैं, वेदिका जी बच्चे जैसा है वो, और उसका एक सहारा था जो शायद मैंने उसे छीन लिया। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, लेकिन वेदिका जी मैंने कहीं मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी गलती है ये। साहिल ऐसा मत सोचो तुम। वो लड़की अचानक से तुम्हारी गाड़ी के आगे आ गई, तुम क्या करते? और फिर पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल के बाद कहा है ना कि तुम कमली के मौत के जिम्मेदार नहीं हो, तो फिर ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? मैं जानता हूँ ऐसा कहा है पुलिस ने, पर मैं क्या करूँ? अपने दिल को अपने दिमाग को बंद कैसे कराऊंगा दीका जी? मैं कब से ये सोच रहा हूँ कि काश गाड़ी 5 मिनट लेट जाती, या मैं जल्दी जाता, या मेरी स्पीड कम होती दीका जी, लेकिन ऐसा मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए बड़ी अम्मा। मान ली होती और आज वो लड़की जिंदा होती। हाँ मैं जानता हूँ कि कानून की नजर में मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन वेदिका जी मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने 2 जिंदगियां बर्बाद की है, मैं भरपाई करना चाहता हूँ। हाँ तो हम करेंगे साहिब, पर ये मुझे सही नहीं लग रहा है। कुछ न कुछ है जो मुझे ये करने से रोक रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कदम उठाने से इस परिवार के लिए या इस घर के लिए ये सही नहीं है साहिब। चुप करो वेदिका, जो हमें लग रहा है वो हमारा वहम है, और जो तुमको लग रहा है वो सच है। बड़ी हमको तुम्हारी राय नहीं चाहिए। देखो पूरा परिवार हमारी बात से सहमत है, उन्हें भरोसा है हमारे फैसले पर। साहिल हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो। तुमको पता है जब दीपक ने उस लड़के को भला बुरा कहा तो उस भूतनी ने क्या करा? उस पर वार किया। साहिल हम सच कह रहे हैं, अगर हमने उस लड़के का भला किया ना तो वो भूतनी हमारे घर पर मेहरबानी बरसाएगी। साहिल ये गलत है। साहिल तुम जानते हो भूत प्रेत वगैरह ये सब दकियानोसी बातें, तुम ऐसी बातों को साहिल ने बड़ा। साहिल श्रुति का फोन है, बहुत रो रही है, बहुत घबराई हुई है, और वो कह रही सिर्फ तुमसे बात करेगी। पता नहीं क्या है। श्रुति किसी क्रूज पे साथ पे गए थे। श्रुति कह रही है कि कोई एक्सीडेंट हो गया और करण मर गया। श्रुति पर, अरे उसका पति मर गया इतनी छोटी सी उम्र में, वो विधवा हो गई। अब तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ उमा।
हे भगवान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। हेलो जी, वो जाना था, वो फ्लाइट टाइम पे है ना? हाँ, कोई डिले तो नहीं है राइट? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपको वहां पहुंचते ही फोन करूंगा वेदिका जी, जितना जल्दी हो सके श्रुति को वापस लेके आता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखना, संभाल लेना। चिंता मत कर वेदिका जी। श्रुति सब अचानक से कैसे कैसे हो गया, उसका सामना कैसे करूंगा मैं वेदिका जी? करण सब में से करण साहिल, साहिल नहीं, साहिल साहिल साहिल, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम इस तरह कमजोर पड़ जाओगे तो वो तो बेचारी बिखर जाएगी। तुम जाओ और श्रुति को घर वापस लेकर आओ, और हम सब हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप भी अपना ख्याल रखेंगे। मैं जानता हूँ कि इस कुमार के होने से आप थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं दिखाजी, लेकिन उसमें मुझे सच्चाई नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि दिल से साफ है वो, तो प्लीज जब तक मैं वापस नहीं आता उसे यही रहने दीजिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब मैं वापस आऊँगा उसके बारे में जो भी डिसाइड करना है हम करेंगे साथ में, ठीक है? तब तक हाँ साहे, यहाँ की चिंता मत करो, तुम बस श्रुति पे ध्यान दो। तुम लौट के आओगे उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, और तब तक मैं यहाँ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। देखा, आ गया ना मैं इस घर में। कहा था ना मैंने कि इस अग्रवाल परिवार को बर्बाद मैं करके रहूंगा। मेरे साथ बचपन में जो हुआ उसका बदला लेने आया हूं मैं। बस कुछ दिन और, उसके बाद शुरू होगा इस अग्रवाल परिवार की बर्बादी का सिलसिला। और जब तक मैं अपने इस काम को अंजाम नहीं दे देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वेदिका अग्रवाल साहिल की बड़ी उम्र वाली दीदी, एक वही है जो मेरे रास्ते का कांटा बन सकती है। पर चाहे कोई भी हो, उसे तो मैं हैंडल कर ही लूंगा, क्योंकि मुझे इस परिवार को बर्बाद करना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब इस घर को
मुझसे कोई नहीं बचा सकता।